बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, कि जो मैटर की कितनी स्टेट होती हैं, कितनी स्टेट में हम मेनली इनको जानते हैं। तो मेनली हम इनको तीन स्टेट में ये पाए जाते हैं या इनको जानते हैं। एक तो सॉलिड होती है, एक लिक्विड होती है, एक गैसियस स्टेट होती है। सॉलिड स्टेट कौन सी है, लिक्विड स्टेट कौन सी है, गैसियस स्टेट कौन सी है, इसके अंदर हम जानेंगे। देखिए सॉलिड स्टेट के अंदर आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, कोई पेन ले लीजिए, कोई पेंसिल ले लीजिए जो एक सिंपल से एग्जांपल है, या कोई भी कील ले लीजिए, आयरन की नेल ले लीजिए, आयरन नेल ले लीजिए, कोई भी कील ले लीजिए, इस तरह का जो भी आपके आसपास सॉलिड ऑब्जेक्ट है, आपके किचन के अंदर कटोरियाँ होंगी, थालियाँ होंगी, प्लेट्स होंगी, ये सारी क्या है, सॉलिड्स होती हैं। तो सॉलिड जो है ये स्टेट होती क्या है, देखिए सॉलिड स्टेट के अंदर एक आपके पास डेफिनेट शेप होती है। तो इसकी कोई भी शेप होगी, जैसे मान लीजिए पेन है, पेंसिल है, या कुछ भी है, प्लेट है, गिलास है, उसकी डेफिनेट शेप आपको ज़रूर मिलेगी। उसके बाद वो कुछ अगर शेप होगी तो डेफिनेट उसकी बाउंड्री भी होगी, तो डेफिनेट बाउंड्री को भी कवर करेगा, और इसी तरह से अगर वो डेफिनेट बाउंड्री को कवर करेगा तो उसकी कुछ वॉल्यूम भी होगी, यानी कि वो कुछ स्पेस भी लेगा। तो ये तीनों चीज़ों जो हैं ये सॉलिड के अंदर पाई जाती हैं। अब आप सॉलिड के ऊपर जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो इनकी शेप चेंज हो सकती है, तो बाउंड्री कंडीशन भी चेंज होती है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो इसी तरह से जब आप ज़्यादा कंप्रेस करते हैं या खींचते हैं किसी चीज़ को तो वो टूट भी सकता है। तो इस तरह से सॉलिड के अंदर क्या होगी, शेप होगी उसकी, डेफिनेट बाउंड्री होगी, वॉल्यूम होगी, लेकिन फोर्स के साथ हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, खींच के इसको तोड़ सकते हैं या डिफॉर्म कर सकते हैं। इस तरह की प्रॉपर्टी जो है सॉलिड के अंदर होती है। लिक्विड स्टेट की बात करें, लिक्विड स्टेट क्या होती है कि जो हमारी सॉलिड स्टेट है, अगर सॉलिड स्टेट की बात करें, जिसके पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल इस तरह से अटैच होते हैं, बिल्कुल ये इस तरह से अटैच होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अटैच होते हैं। इसका एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं, मान लीजिए एक लोहे की आप छड़ लें, लोहे की छड़ लें और यहाँ से उसको हीट प्रोवाइड करें, हीट यानी कि एक फ्लेम, यहाँ कोई बर्नर रख दें और फ्लेम के साथ इसको हीट प्रोवाइड करें, ये क्या है, बर्नर है जो कि जिसको हमने जलाया है और ये हीट प्रोवाइड कर रहा है। आप देखेंगे यहाँ से जो हीट है आप ये दूसरे कॉर्नर पे पहुँच जाती है, जहाँ से आपने इसको पकड़ रखा है आपको वो गर्म लगने लग जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए जो इसके पार्टिकल हैं बिल्कुल एक साथ ये कनेक्ट हैं और ये क्या है, एकदम से एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। तो सॉलिड का एक छोटा सा ये एक्टिविटी है, आप समझ सकते हैं। तो सॉलिड स्टेट क्या है, जो आपने अभी समझा कि एक तो जो इसके पार्टिकल हैं अच्छी तरह से अटैच होते हैं, डिफरेंट शेप होती है, बाउंड्री होती है, वॉल्यूम होती है, जैसे रबड़ बैंड है, रबड़ बैंड भी आप सॉलिड में ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए जब आप इसको खींचते हैं तो अपनी शेप को दोबारा ले लेता है जब आप उसको छोड़ते हैं, और ज़्यादा खींचते हैं तो टूट भी जाता है, तो इसलिए ये भी एक सॉलिड होता है। इसी तरह से आप शुगर के पार्टिकल हैं, चीनी के पार्टिकल हैं, साल्ट के पार्टिकल हैं, उनको भी आप सॉलिड में लेते हैं, क्योंकि आप उनको हाथ पे ले लें, प्लेट में रख लें, कहीं भी रख लें, उनकी शेप जो है या बाउंड्री जो है या जो वॉल्यूम है वो सेम रहती है, सेम ऑक्यूपाई करते हैं, तो ये सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं। लिक्विड जो है, अब लिक्विड स्टेट की बात कर लेते हैं। अब लिक्विड के अंदर क्या है, लिक्विड जो है मान लीजिए आप बीकर के अंदर पानी, तेल कुछ भी ले लीजिए, आप इसके अंदर कोई वाटर ले लीजिए, कोई वेजिटेबल ऑयल ले लीजिए या कोई भी तेल ले लीजिए, जब भी आप उसको बीकर में, किसी बर्तन में, कटोरी में, गिलास में डालते हैं तो उसकी शेप ले लेता है। तो सबसे बड़ी तो इसकी जो ख़ास बात है, जो लिक्विड की, वाटर या ऑयल या कोई भी आप ले लें, हनी ले लें, शहद ले लें, सारे लिक्विड हैं, ये शेप ले लेता है। तो ये अकॉर्डिंग टू जो भी आप जिस चीज़ के अंदर डालते हैं उसकी ये शेप ले लेता है। अब जो लिक्विड है, देखिए सॉलिड जो है इसके पार्टिकल जो है फ्लो नहीं कर सकते एक दूसरे के ऊपर, लेकिन जो लिक्विड है वो फ्लो कर सकता है। आपने वाटर को फ्लो करते देखा होगा, नदियों के अंदर देखा होगा, तो वाटर जो है फ्लो कर सकता है, हनी को आप फ्लो करवा सकते हैं, ऑयल को आप फ्लो करवा सकते हैं, या फर्श पे आप उसको गिरा देते हैं तो वो फ्लो करने लग जाता है। तो लिक्विड के अंदर ये भी कैपेबिलिटी होती है कि वो फ्लो कर सकता है और शेप को चेंज कर सकता है, जैसे यहाँ से उसने शेप को चेंज किया और फ्लो ये कर सकता है, लेकिन ये रिजिड नहीं होता जैसे सॉलिड होता है, तो ये रिजिड नहीं होता, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो लिक्विड के अंदर इस तरह की कैपेबिलिटीज़ होती हैं। अब देखिए लिक्विड क्या है, डिजोल्व भी कर सकता है कुछ चीज़ों को। लिक्विड जैसा कि हमने बात की, आप इसके अंदर साल्ट डाल सकते हैं, शुगर डाल सकते हैं, उनको ये डिजोल्व भी कर लेता है, यानी कि घोल भी लेता है। इसी तरह से हमारे एटमोसफियर के अंदर ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है और काफ़ी सारी गैसेज होती हैं, तो ये भी जो गैसेज हैं पानी के अंदर जो हैं डिजोल्व होती हैं। अब ये डिजोल्व होने के कारण जो मछली हैं, जैसे जो पानी के अंदर रहती हैं, जो जो जीव रहते हैं, वो सांस कैसे ले पाते हैं, क्योंकि ये जो गैसेज हैं पानी के अंदर डिजोल्व हो जाती हैं, जो सांस लेने के लिए ज़रूरी होता है। तो इसकी ये भी कैपेबिलिटी है कि ये डिजोल्व कर लेता है दूसरी चीज़ों को।
तो इस तरह से ये लिक्विड की कैपेबिलिटी इस तरह की होती हैं। बात करते हैं गैसियस स्टेट की। गैसियस स्टेट के अंदर क्या होता है, जो इसके पार्टिकल्स होते हैं ये काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसीलिए इनको कंप्रेस करके कंप्रेस सिलेंडर में भरा जा सकता है। जैसे कि घरों के अंदर आप LPG यूज़ करते हैं या कंप्रेस नेचुरल गैस CNG का यूज़ किया जाता है फ्यूल के, जैसे कि आपने ऑटो देखे होंगे जो आजकल फ्यूल का यूज़ किया जाने लगा है CNG का, तो फ्यूल या इंडस्ट्री में इसका फ्यूल यानी कि बर्निंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसी तरह से LPG आप घरों में देखा होगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है जो गैस का सिलेंडर है उसके अंदर गैस को कंप्रेस करके भर दिया जाता है। तो गैस क्या है, काफ़ी कंप्रेस हो सकती है क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी स्पेस होता है। इसको आप एक एक्टिविटी से समझ सकते हैं। आप एक सिरिंज लीजिए, इस तरह की सिरिंज लीजिए और उसके आगे से इस तरह से उसको हाथ से बंद कर लीजिए और पीछे जो इसका पिस्टन है जिससे हम दबाते हैं, इसको दबाते हैं, यहाँ पर आप अलग अलग तीन सिरिंज ले लीजिए, उसके अंदर एक गैस ले लीजिए, एक के अंदर आप लिक्विड ले लीजिए और एक के अंदर सॉलिड यानी कि कोई पाउडर ले लीजिए। मान लीजिए चाक का पाउडर ले लिया आपने, चाक का पाउडर ले लिया, तो तीन तरह की चीज़ें आप ले लीजिए, एक गैस, एक लिक्विड, एक चाक का पाउडर, अलग अलग सिरिंज लेनी है। आप इनको कंप्रेस करके देखिए, यहाँ से इसको दबा के रखिए नीचे से ताकि यहाँ से निकले ना, और ऊपर से आप इसको दबाएँ। जब आप इसको दबाएंगे तो आप कौन से को सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर पाएंगे, गैस को कर पाएंगे, फिर दूसरे नंबर पे लिक्विड के कर पाएंगे, तीसरे नंबर पे चाक पाउडर यानी कि बहुत ही कम नेगलिजिबल चाक पाउडर को कंप्रेस कर पाएंगे, लिक्विड को उससे ज़्यादा और गैस को सबसे ज़्यादा हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए जो गैसियस है यानी कि आप उसको सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से जो गैसियस स्टेट है वो जल्दी से फैलती है। अगर गैस लीक हो जाए आपको दूर तक उसकी महक आती है, वो जल्दी से फैल जाती है क्योंकि इसके जो पार्टिकल है तेज़ी से मूव करते हैं, एक कमरे के अंदर ही फटाफट फैल जाते हैं। जैसे एक बैलून को आप देखिए, एक बैलून के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो फटाफट फैल जाते हैं, और एक सिलेंडर जो होता है बैलून भरने का वो काफ़ी सारे बैलून भर सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल हैं काफ़ी जल्दी से फैल जाते हैं। तो इस तरह से जो गैसियस स्टेट के अंदर है पार्टिकल मूव करते हैं रैंडमली और हाई स्पीड पर मूव करते हैं, तो इसके जो रैंडम मूवमेंट के कारण पार्टिकल है एक दूसरे को हिट करते हैं और जो ये वाल्स होती हैं चाहे बैलून की हों चाहे कंटेनर की हैं उनके ऊपर प्रेशर लगाते हैं। तो इस तरह से जो एग्जर्ट किया जाता है जो गैस के द्वारा, इस गैस के द्वारा प्रेशर, तो उसको हम प्रेशर एग्जर्टेड कहते हैं बाय द गैस, जो भी कंटेनर है उसकी वाल्स के ऊपर और कितने एरिया के ऊपर लग रहा है। तो इस तरह से गैसियस स्टेट को आप समझ सकते हैं। तो ये था हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।